अस्सलाम वालेकुम। हम आज आपको बोट गला कटिंग करना दिखा रहे हैं। हमने पहले से ही कटिंग करके कांदा रख लिया है। इसके लिए हमने 13-14 इंच लिया है और हमने गले की आपको कटिंग दिखानी है। इसके लिए हमने जो कांदे की साइड है यहाँ से हमने हल्का सा ऐसी शेप देनी होती है। इसके लिए हमने सिलाई छोड़कर 2 इंच रहने देते हैं, ये देखें। और हमने गहराई भी तकरीबन 2 से 3 इंच यानी कि इस तरह रख लेते हैं। कोई 2 इंच भी रखता है, चाहे तो आप फ्रंट और बैक का एक जैसा गला भी रख सकती हैं, चाहे तो फ्रंट का 3 इंच और बैक का 2 इंच भी रख सकती हैं। आप इसमें बुकरम भी लगा सकती हैं, पाइपिंग भी इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो अंदर की साइड पलट भी सकती हैं। जो आपको इजी लगे वो काम कर सकती हैं। मेन मकसद हमारा आपको गला समझाना है। अब हम गले की कटिंग करने जा रहे हैं। हमने फ्रंट को और बैक को 3 इंच ही लिया है और हम आपको चुन्नट वाला गला कटिंग करके दिखा रहे हैं। इसके लिए हमने फ्रंट में चुन्नट की वजह से थोड़ा गहराई ज़्यादा करनी है ताकि हमारी चुन्नट आया हुआ गला हमें बहुत अच्छा सा लगे। हमने 1 इंच एक्स्ट्रा और ले लिया है बैक से ज़्यादा, ये देखें। हल्का सा ऐसे कर लिया और अब अगर हम चुन्नट देंगे तो हमारी बहुत खूबसूरती वाला गला बन जाएगा। और ये पीछे वाला हमने जिप वाला बनाया है, इसके लिए बगैर चुन्नट का गला बनेगा। इसमें जिप आने के बाद ये गला बहुत छोटा हो जाएगा, ज़्यादा छोटा नहीं, हल्का सा फ्रंट से कम। फ्रंट का थोड़ा हमने डीप कटिंग किया है बॉट गला। अब आप हम आपको इसमें चुन्नट और पाइपिंग वाला दिखाएंगे। हम अब पाइपिंग की कटिंग कर रहे हैं, ये देखिए। इस तरह से रेब होती है, कोना बन जाता है और आप इसको इस तरह से कटिंग कर सकती हैं। ये हमारी बहुत अच्छी स्ट्रेच वाली पाइपिंग मिल जाएगी, ये देखें। ये देखें हम पाइपिंग की कटिंग कर रहे हैं। ये हम 1 से 2 इंच भी कटिंग कर सकते हैं और 1.5 इंच भी। अगर आपको बहुत बारीक पसंद है तो 1 इंच, अगर चौड़ी पसंद है तो 2 इंच की कटिंग ले सकती हैं पाइपिंग की। इसी तरह हमने पाइपिंग मुकम्मल कटिंग कर ली है और हमने इसको जोड़ लगाना है इस कुछ इस तरह से कि ये ऐसे लगे तो हमारी सिलाई महसूस ना हो कि हमने सिलाई लगाई है, जोड़ लगाया है। और फिर उसके बाद हमने दरमियान के हिस्से का को हल्का हल्का सा चुन्नट प्लेट धागा खींच कर देनी है, हल्के से नाम करने को, जैसे हल्का सा टच देना होता है। और हम कोशिश करेंगे कि ये वाला हिस्सा हमारा पाइपिंग का सीधे ही साइड आए, ऐसे हल्का सा पाइपिंग को खींच कर रखेंगे, ये देखें। ऐसे कर हमने इसमें पाइपिंग को निकाल लेना है। अब हम आपको सिलाई के बाद दिखाते हैं इसकी पाइपिंग और सिला हुआ ये गला कैसा लगता है। अब ये देखें हमने गला तैयार कर लिया है। इस तरह से पाइपिंग लगाई है। हमने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको पाइपिंग बनाने और लगाने का तरीका दिखाया है, आप देख सकते हैं। और हमने बैक पर जिप का इस्तेमाल किया और जिप को खुल ना जाए इसलिए हमने हुक का भी इस्तेमाल किया है। इस तरह से ये हमारे पास बहुत अच्छा सा नीट गला बन गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत आसान और जल्दी बनने वाला ये गला है। आप घर में भी इजीली ये गला बना सकती हैं, बोट गला इसे कहते हैं। अब आप देखें कितना प्यारा लग रहा है और कितनी जल्दी बन गया है। अगर आपको हमारा ये स्टाइल पसंद आए तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें और बताएं कि अगर यह आपको अच्छा लगे तो अपने कमेंट से आगाही दें। अल्लाह हाफिज़। अब हमने ये मुकम्मल कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। आप किसी भी स्टाइल से इसको अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, कोई एम्ब्रॉयडरी करा सकती हैं या आपके पास कोई बंचेज़ वगैरह पड़े हों तो वो भी लगा सकती हैं।